राजस्थान में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। आसमान से भीषण आग बरस रही है। ऐसे में भारत पाकिस्तान सरहद पर पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल राजस्थान का रेगिस्तान सोमवार को लगातार आग की तरह तपता रहा। पाकिस्तान सरहद से लगी चौकियों पर अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों पारा 52 से 53 डिग्री तक पहुंच चुका है, जहां शहरी क्षेत्रों में ये पारा 47 डिग्री को पार कर गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 और बॉर्डर पर उससे भी अधिक है। जानकारी के मुताबिक सरहद सुरक्षा बल के पास तापमान बताने वाले जो उपकरण हैं, वे 50 डिग्री तक ही तापमान बता पाते हैं और उससे अधिक तापमान होने पर उपकरण काले पड़ जाते हैं। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल यही स्थिति है। पिछले कई दिनों से सीमा चौकियों पर लगे उपकरण काले हो रहे हैं और इसका मतलब साफ है कि पारा 53 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तापमान बताने वाली घड़ियां भी लेकर बैठे, जिसमें पिछले कुछ दिनों से पारा 50 से 52 डिग्री तक पहुंच रहा है। आसमान के अंगारे बरसती गर्मी, चिलचिलाती धूप और तन झुलसाने वाली लू के थपेड़े तवे की तरह तपती रेत पर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। इस भीषण गर्मी में जहां कुछ देर तेज धूप में खड़ा रहना दुर्भर हो रहा है, वहीं हमारे जवान कई घंटों तक सीमा की निगरानी में जुटे हुए हैं। सुनिए सीमा सुरक्षा बल राजस्थान आईजी मकरंद देउस्कर ने क्या कुछ बताया। जो अन्य सावधानियां उनको इस गर्मी को देखते हुए लेनी चाहिए, वे ले रहे हैं कि नहीं, और मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी भीषण गर्मी में भी उनका मोराल बहुत ऊंचा है और वो बिल्कुल बहुत ही उत्साहित तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मैं एक ऐसे फोर्स का सदस्य हूँ। वहाँ पर टेम्परेचर जैसलमेर से और ज़्यादा हो जाता है और रेतीला इलाका है तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और मुख्य चैलेंज वहाँ पर है कि पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी जो मतलब कई BOPs पर जो है मीठा पानी नहीं है, तो टैंकर से उसकी आपूर्ति करनी पड़ती है। जो बहुत जो भीषण तापमान है उससे खुद को कैसे बचा करके रखें, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तो कम से कम 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर महसूस हो रहा था। हर प्रयास चल रहा है, कुछ तो पानी की अवेलेबिलिटी की ही का ही इशू है कि मीठा पानी आसपास उसका स्रोत ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज वो है। उसमें हमारा फोर्स जो इस तपती गर्मी और इस प्रकार के चैलेंजेस को झेलने का आदि है, वो इस बार भी विजयी होकर। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़।